हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सोल जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि या एक्रूस राशि का 2022 का राशिफल के बारे में। आज हम इस वीडियो में कुंभ राशि के होरोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। कुंभ राशि के लोग कला, संगीत, शिल्प और साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं। भावनाओं और बातों को गुप्त रखने की वजह से मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट उठाते हैं। सौंदर्य के पुजारी होते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा इनमें प्रबल होती है। जो भी कार्य करते हैं उसे पूरे दिल से संपन्न करते हैं, किंतु तीव्र बहुत ज़्यादा गुस्सा एकदम से इनका आना सबसे बड़ा अवगुण होता है। इस वर्ष आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। वर्ष की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग देंगे, जिससे आप हर कार्य को समय रहते पूरा कर सकेंगे। नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। साल के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्या हो सकती है। अगर आप किसी परियोजना में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर किसी प्रकार का सौदा करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस कार्य को साल के पहले 6 महीने में करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्योंकि 7.5 होने की वजह से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, इससे आपके व्यवसाय या बिजनेस की में तरक्की होने की संभावना में वृद्धि होगी। दोस्तों, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान छाया गृह राहु आपकी राशि के चतुर्थ भाव में रहेगा। इससे आपको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। धैर्य से काम लें और चीज़ों को नज़रअंदाज करें। साल की दूसरी तिमाही में आपको यह मौका मिल सकता है कि आप परिवार में मौजूद समस्याओं को दूर कर सकें। साल की अंतिम तिमाही कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। इस अवधि में आपको आपके परिवार का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों, यदि इसके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो इस वर्ष की शुरुआत में कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से सितंबर के बीच आपको व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लाभ की स्थितियां बनेंगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपको विशेष लाभ होने के योग बनेंगे। इस साल आपकी आय तो अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिससे स्थिति सामान्य रह सकती है। यही वजह है कि इस वर्ष में आप अपनी उम्मीद के अनुसार धन संचय करने में असफल रह सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि हम स्टूडेंट की बात करें जो परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके बारे में बात करें तो परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में सफलता मिलेगी, जिससे आपके विश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी, जिससे आप हर विषय को समझने में सक्षम होंगे। इस वर्ष आपको कई ऐसे मौके प्राप्त हो सकते हैं जहां आपको आपके परिश्रम का उचित फल प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, यदि 2022 में स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि की बात करें तो इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि वर्ष के पूर्वार्ध में आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ तकलीफ परेशानी कर सकती है। संभावना है कि आपको सरदर्द, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, अपच, सर्दी, जुकाम जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। अप्रैल के पश्चात का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आप इस वर्ष अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। इसके अलावा कुछ नई व अच्छी आदतें जैसे कि अच्छा खान पान व व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी इस वर्ष आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगा।
दोस्तों यदि हम उपाय की बात करें तो आपकी राशि में शनि की 7.5 से प्रभावित है, इसलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार के दिन चींटियों को मीठा आटा डालने से भी आपकी समस्या दूर होगी। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ यदि संभव हो तो अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। तो दोस्तों यह था राशिफल। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।